नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो किंगस्टोन पेन ड्राइव के ऊपर है, और ये जो मैंने परचेस किया है ये अमेज़ॉन से परचेस किया है और कुछ दिन पहले मुझे ये रिसीव हुआ है। तो ये जो किंगस्टोन डाटा ट्रैवल एक्सो डी आई डी टी एक्स 128 GB पेन ड्राइव USB 3.2 जनरेशन 1 ब्लैक कलर के साथ में आता है, और इसके जो कैप्स है वो अलग अलग तरह के आते हैं, कलर भी इसमें आते हैं। तो इसको डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं, इसमें क्या फीचर्स है हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो ये 801 रुपये में मिल रहा है, और वो भी आपको 128 GB, और इसके साथ में आप बताएंगे आपको कि देखिए 32 GB 418 रुपये का है और 128 GB 801 रुपये का। तो आप कौन सा लेना पसंद करेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ में ये शॉक प्रूफ है, और ये USB 3.2 के साथ में आता है जनरेशन 1। तो ये हार्डवेयर इसका इंटरफेस है, और साथ ही साथ एक बात और इसमें बताना चाहेंगे, ये इजी एक्सेस है, क्विक ट्रांसफ़र करता है और आपका डेटा को। तो ये लार्ज लूप इजीली अटैच होता है की रिंग्स के साथ में, जो प्रैक्टिकल कैप प्रोटेक्ट USB प्लग मल्टीपल कलर ऑप्शन बाय कैपेसिटी, अलग अलग कैपेसिटी के दौरान इसके कलर अवेलेबल है। देख सकते हैं आप इसमें कलर के, ये जो चार इमेजेस इसमें कलर देख सकते हैं, हमारा जो है वो येलो वाला है, ब्लू भी है, वाइट भी है और रेड भी है। तो यहाँ पे बताने एक बात और है कि ये 2.0 जो पोर्ट्स होते हैं उसमें भी ये सपोर्ट करेगा, मतलब बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी ज़रूर है। और इसके प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे पेन ड्राइव रखे हुए हैं, कौन सा पेन ड्राइव आप लेना पसंद करेंगे इसमें से आप देखिए। तो ये थी हमारी अमेज़ॉन की तरफ से बताने वाली कुछ बातें। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से पेन ड्राइव दिखता है और इसमें क्या क्या खास बातें हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और अनबॉक्सिंग भी करते हैं। तो ये रहा हमारा किंगस्टोन का पेन ड्राइव, और यहाँ पे ये 5 साल की वारंटी के साथ में आता है, गारंटी के साथ में आता है। डेटा ट्रैवलर एक्सोडिया 128 GB USB 3.2। तो सामने से कुछ इस तरह से दिखता है आपके सामने है, और ये किंगस्टोन की ब्रांडिंग है, और ये यहाँ पे इनका डिटेल्स लिखा हुआ है, और ये आपको 900 रुपये का इसका प्राइस है। हाँ, ऑफलाइन में थोड़ा कम मिल जाए तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए हम इसे फटाक से कट करते हैं। तो यहाँ पे कट करने का निशान है, तो इसे कट करते हैं। यहाँ से इसको कट कर लिया है, और यहाँ से आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। इस पॉकेट को जो है ना आप संभाल कर रखिए, क्योंकि ये इसके 5 साल की वारंटी के साथ में आता है ये, जिससे आपको कोई डैमेज हो जाए तो आप उसे बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसको यहाँ से निकाल लिया। कुछ इस तरह से आपको ये दिखता है, इस पॉकेट में से हमने इसको निकाल लिया है। अब इस तरह से निकलता है, तो यहाँ से हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके सामने ये शो होता है किंगस्टोन का। अब मैं इसे प्लग इन कर देता हूँ हमारे कंप्यूटर में, और हम कंप्यूटर पे चलते हैं और इसकी कितनी GB हमारे मेमोरी मिलती है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये लोकल डिस्क जो इस पे मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, और ये बैकअप के लिए मैंने एक 2 TB के हार्ड ड्राइव ली थी, उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी एक मेरा जो किंगस्टोन का पेन ड्राइव है जैसे हमने अनबॉक्सिंग किया 128 GB जो कि USB 3.2 के साथ में आता है, तो देखते हैं 128 GB में से कितना GB हमें यूज करने के लिए मिलता है। तो मैं इसे प्लग इन कर रहा हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे प्लग इन किया तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे स्पेस देख सकते हैं आप, 115 GB की स्पेस हमें मिली है। तो 115 GB और हमारा जो कंपनी का क्लेम है 128 GB, तो 128 GB में से 115 GB निकाल लेते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, तकरीबन 13 GB, मतलब 13 GB का लॉस यहाँ पे हुआ है। कैलकुलेशन से आपको अंदाजा आ जाता है कि 13 GB का लॉस यहाँ पे होता है, बट ये ओरिजिनल है या नकली है ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ फाइल्स है जिसमें मैं पेस्ट करूंगा। यहाँ पे देखिए ये वाली पहली फाइल इसकी साइज देख लेते कितना है। तो इसकी साइज 138 MB है, और इसको ही हम कॉपी करते हैं और इस फाइल को हमारे जो किंगस्टोन है इसमें हम पेस्ट करते हैं। देखिए किंगस्टोन है, इसमें हम पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको स्पीड दिखाई दे रही है, 14 MB की यहाँ पे प्रति सेकंड स्पीड मिल रही है, और ये कुछ ही सेकंड में 125 के ऊपर की जो फाइल है वो पेस्ट हो गई। तो ये हुई इसके रीड और कॉपी की स्पीड। अब हम दूसरा एक पेन ड्राइव है मेरे पास में, यहाँ पे हमें मिल रही है 14 MB की स्पीड, और यहाँ पे हम अब 32 GB वाला स्कैन डिस्क का एक पेन ड्राइव लगाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये पेन ड्राइव लगा दिया है। अब मैं यहाँ से फाइल मैंने उसको उठाई थी, तो यहाँ से यही फाइल मैं इसको कॉपी करता हूँ जो पहली फाइल थी। इसको देखिए 138 MB की फाइल है, तो यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ये जो सैंडिस्क का पेन ड्राइव है इसमें पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्पीड हमें कितनी मिलती है ये देखते, इससे ये अंदाजा हो जाएगा कि हमने जो किंगस्टोन का पेन ड्राइव दिखाया था आपको उसमें हमें स्पीड कितनी मिल रही है और यहाँ पे सैंडिस्क में हमें कितनी स्पीड मिल रही है। और इसमें जो हमारा किंगस्टोन है वो 128 GB USB 3.0 के साथ में आता है, और ये हमारा जो 6 साल पुराना पेन ड्राइव है तो इसकी स्पीड आपको कम ही मिलेगी। तो देखते हैं इसको पेस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 या 1 से ही हमें 2 MB की स्पीड यहाँ पे मिल रही है, बट ये भी तकरीबन 14 MB की स्पीड में पहुँच जा रहा है। पहले स्लो होता है, बट हमारे जो पहला वाला 128 GB वाला था किंगस्टोन,
तो उसमें शुरुआत से ही वो उतनी ग्रिप पकड़ लेता है। जैसे मैं देखिए पेस्ट करता हूँ तो यार रिप्लेस का ऑप्शन है, तो देखिए शुरुआत से ही वो ग्रिप पकड़ लेता है, मतलब यहाँ पे आपको स्पीड शुरुआत से ही अच्छी खासी मिल जाती है। और यहाँ पे हमने पेस्ट किया, अब यहाँ पे हम इसे कट भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे जिस पीसी या कैंडिस में इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं इसमें से ये डेटा निकल गया है, इंस्टॉल से निकल जाएगा। अभी रिफ्रेश कर लेते हैं, ये पेस्ट होने का है, पेस्ट होने देते हैं। ये देखिए यहाँ से ये निकल जाएगा, कट भी किया था तो देखिए यहाँ से कट भी हो रहा है, पेस्ट भी हो रहा है, तो फाइल आसानी से मूव हो रही है। तो आई थिंक ये ओरिजिनल होगा। अगर इसमें कोई आपको डाउट है कि ये डुप्लीकेट हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इसकी मैं बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये किंगस्टोन आपको बैंड कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इस तरह के अनबॉक्सिंग और टेक्निकल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।